तो भाई मैंने एक दही बड़े तो खाए, अभी एक मैडम के लिए पार्सल लेके जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी मैं गुजर रहा था बेलवाई में, तो मेरे साथ प्रधान जी हैं, इनकी नई दुकान की ओपनिंग हुई है अभी जल्दी में। तो गुजर रहा था, मैंने सर प्रधान जी से मिलो, तो फिर मैंने देखा है कि हमारे साथ ये शख्स हैं। तो भाई पूरा आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम निशांत आरोंजे, मेरा फुल नेम है, और हम लोग एक कैंपिंग चला रहे हैं जिसमें हम प्राचीन काल की अपनी सभ्यता थी जो पोशाक होती थी उस चीज को भूलकर अब नई ट्रेडिशनल में घुस गए हैं। कुछ भी पहनकर मंदिर के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उस चीज के लिए हम लोगों ने थोड़ा दो चार दोस्त मिलकर यात्रा कर रहे हैं मंदिर मंदिर जाकर, इस चीज को जान रहे हैं कि कैसा कल्चर चल रहा है। फिर इस चीज के आगे जो आप लोग दे सकते हैं तो ठीक है दोस्तों, आपको हम बैक कैमरे से दिखाते हैं कि इनका क्या है परफॉर्म। तो ये देखिए लिखा हुआ कि धोती सिर्फ वस्त्र नहीं गर्व है हमारा, धोती इज नॉट जस्ट ए गारमेंट, इज आवर प्राइड। तो ये कब से विचार आया मन में भाई आपके? विचार तो बहुत टाइम पहले का है, श्रीमत हो गए, मतलब मैं मॉडलिंग करता हूँ तो मुझे वहाँ ये वस्त्र पहनने से मना कर दिया गया। अच्छा। तो जब से माइंड में ये चल रही थी मुझे ये सब करना है, अब इसको ऊपर लाना है, अब इसका वक्त है, तो बस इसीलिए तभी से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे थे। और 15 दिन से यात्रा है। दोस्तों आपको बता दें इनका एक चैनल भी है प्रो ब्लॉग 99, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों हैंडल है, और नीचे के धर्म युद्ध के लिए भारत यात्रा। तभी आप कितनी जगह की यात्रा कर चुके हैं? अभी हम राजस्थान होकर आए हैं और अयोध्या हो गए, अब काशी जा रहे हैं। काशी जा रहे हैं, तो आपको बता दें जहाँ पर आप खड़े हैं इतनी दूर काशी है, उतनी ही अयोध्या है, आप मध्य में है। यहाँ से 100 किलोमीटर काशी है तो 100 किलोमीटर ही अयोध्या, हालांकि न तो 100 किलोमीटर काशी है न तो 100 किलोमीटर 90 से कम है। हाँ तो दोस्तों ये है अयोध्या सागंज मार्ग है, आप तो जानते होंगे बेलवाई बाजार में है। और आपको बता दें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रधान जी की नई दुकान की ओपनिंग हुई थी जिसका उद्घाटन बताशा चाचा ने किया था ना। तो कैसा चल रहा है आपका कारोबार? बहुत बढ़िया। और मैंने इनका एक चैनल क्रिएट किया था, आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, तो प्लीज़ एक बार इनके विजिट करिए, क्योंकि ये भी अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और बताइए प्रधान जी कैसे? एकदम बढ़िया है। एकदम बढ़िया है। और आपका कारोबार कैसा चल रहा है? तो इन्होंने देवा रेस्टोरेंट के नाम से दुकान खोली, आप देख सकते हैं, अगर आप इधर आते हैं तो विजिट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव। तो दोस्तों ये है फ्रंट लुक, आप समझ सकते हैं कितने हाइजेनिक तरीके से है, फैमिली के लिए ये व्यवस्था है भाई ने की। तो बताओ नई दुकान आपकी खुल गई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, पहले से तो कुछ अलग है ना? हाँ, बहुत अलग है। तो क्या क्या दुकान में अभी आइटम है ये बताओ? आइटम हमारे पास काजू की कतली है, केसर बटी है, मलाई छेना है, अच्छा भूजा पेड़ा है, लड्डू है, अच्छा केक है, दही बड़ा है, और इडली है, डोसा है, टिक्की छोला है, समोसा है। अच्छा बताओ कहीं इन फ्यूचर में ये प्लान नहीं है खाना वाना का? खाना वाना का अभी नहीं, नहीं अभी तो फास्ट फूड पे ही है। फास्ट फूड और मिठाई पे? जी जी। कारी भर भाई कहाँ से आप बुलाएंगे? ये हमारे मार्केट के ही है। अच्छा अपने मार्केट के ही है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा, कारीगर हमारा गया हुआ है, उसके घर में शादी है। तो ये अगर आप फैमिली वाले हैं, अपना पवई के आसपास के हों या अखंड नगर सुल्तानपुर या कहीं के हों। अच्छा भाई ने देखो ये लाया मेरे लिए, देखो दही बड़ा, तो खा के बताते हैं आपको यहाँ का टेस्ट। और ये देवा, अच्छा ये लोगो कहाँ से डिजाइन हुआ है? ये खुद से ही माइंड में एक बार आया कि हमारे घर में हमारी भतीजी मतलब पापा की पोती हुई थी, तो उसका नाम देवांशी था। अच्छा। तो उसी के नाम से देवा हम लोग स्वीट्स। चलो अच्छी बात है, चलिए अभी दही बड़ा एंजॉय करते हैं फिर आपको हम बताते हैं। तो भाई मैंने एक दही बड़े तो खाए, अभी एक मैडम के लिए पार्सल लेके जा रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए प्रधान जी हम बताएं, देखिए बिजनेस में अगर ये सब करेंगे तो ये जायज़ नहीं है, फिर आएंगे सेवा आप कर देना, लेकिन आज हम पहली बार आए हैं तो ये मेरी तरफ से आप करें। चलिए आप इसको लीजिए। दूसरे फाइनली मैंने पैक करवा लिया है, घर पे चल के बताएंगे इसका टेस्ट, मैडम बताएंगी। और अभी लोकेटेड है ये बेलवाई बाज़ार में, अगर आपने विजिट नहीं किया हो तो अभी आप फटाफट विजिट करिए और फिर आप उनको बताइएगा कि कैसी है यहाँ की व्यवस्था। देखिए आ चुका हूँ घर पे, तो अभी अपने मम्मी से बतिया रही थी इतनी देर से। और बताओ क्या कर रही थी?
ये बताइए जब घर पे सब कोई नहीं जाएगा तो अकेले क्या करूँ, हमसे मम्मी पापा से बात करते। मैंने देखो पूरा कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया, पानी वानी पी लिया, तब तक ये बतियाती रही। चलो अच्छा आँख बंद करो अपनी। क्या चीज लाए हो? आँख तो बंद करो, किसी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है? ये भेज तो अब कहाँ गए थे? हाँ चलो खोलो, अब हाथ पे खोलो उसको। ये क्या चीज है? हाँ तो खोलो तो, कुछ लेके मैं आया हूँ। देखो रास्ते में लाते लाते इधर उधर थोड़ा सा टहक गया होगा। अच्छा मजी बड़ी मजबूत लग रही है। हाँ ये क्या है? अरे दही बल्ले। हाँ दही बल्ले, आओ खा के बताओ इसका टेस्ट। देखो नीचे इसमें गिरा, इसको भी ले लेना ना। किसे नहीं? टपकाओ मत, टपकाओ। किसकी खरीद कहाँ से लिए हो? चलो पहले खाओ, स्वाद बताओ, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा रुको, खा के स्वाद बताओ इसका। क्या? लाते लाते गर्म हो गया। हाँ गर्म तो हो गया, लेकिन मैं ठंडा लेके आया था, गर्म ना कि गर्म। सही तो बने है? सही बने ना। तो ये हमारे प्रधान जी ने भेजा है, बेलवाई में उनका नया रेस्टोरेंट खुला है, देवा रेस्टोरेंट। ओ तरह की ये प्रधान जी ने भेजा है? तो अभी आपको बुलाए हैं विद फैमिली अपने रेस्टोरेंट पे। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा बना है। हाँ। प्रधान भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं कसम सही बना है। सही बना है, लाते देखो गर्म हो गया। अच्छा क्योंकि मैं पवई में भी रुका था, सामान लिया था। अच्छा कि मेरी पसंदीदा है दही बल्ले। हाँ। सही बताऊं तो और भी उनके पास आइटम है। अच्छा तो जाना चाहिए। हाँ तो जरूर जाएंगे। तो वीडियो ही खत्म करते हैं क्योंकि अब बच्चे भागेंगे ना, क्योंकि बच्चों का तो बड़ा मस्त बना है। गरी भी डाले, काजू भी डाल रखे, वो भी मुनगा भी डाल, सब डाल रखे हैं। सही है ना? बहुत अच्छा है। तो चलो वीडियो ही खत्म करते हैं क्योंकि देखो बाहर आके गाड़ी खड़ी है और काम खत्म करें ना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।